उछा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। आटा बाटा चाटा हूं तू डांस लोटे आजा, थोड़ी देसी बीट लवाजा, तेरा ठुमका मेरा बाजा, अप द बेस मेरे राजा, वे यू मूव दैट बॉडी, घर वालों को कर दे टाटा, कर दे पार्टी में नौकुल शर्म हया, होगा मेरा तेरा ब्याह, मेरे नाल करना मैं डबल रोमांस, बेबी गिव मी वन मोर चांस, बेबी व्हाट्स बीन गोइंग ऑन, लेट्स गो बॉडी ऑन माय लॉन, टच 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 इन द कार। वैसे भी हमारा ये जो घर है तमाशा घर, ये बड़ा ही कमाल का घर है। मैंने आम जिंदगी में नहीं देखा कि आपका किया हुआ आपके सामने इतनी जल्दी आ जाए। इधर तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, वसा ही नहीं खाता फौरन। कल मैं देख रहा था और मैं मुझे ऐसे फ्लैशबैक आ रहे थे अपनी वजारत के कि कमोबेश यही मेरे मसाइल थे। हाँ। हालांकि अब तो सुपर पावर्स हैं, जेल बाहर है चूहों वाली, लेकिन अगर आप के सामने बगावत हो तो आप मसले वही होते हैं कि हर वजीर यही चाहता है कि सब खुशी से मेरा हफ्ता गुजार लो, आपस में खा पी लो, लड़ो ना, चोरियां ना करो। जाहिर सी बात है। लेकिन वही लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया था बड़ा ओपनली, वो अब उसी टेंशन में खड़े हैं मेरी जगह, वही डायलॉग बोल रहे हैं, वही बातें दोबारा हो रही हैं। वो जो खिलाफ जिन्होंने बगावत की थी, हम तो उन सबका एक तरह से लेके चल रहे ना इमेज। भाई नेहा की एक नई है, अब के मुझसे बर्तन नहीं होंगे, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे ना वैक्यूम दे दें, बाकी सब चीजें दे दें। देखिए वजीर साहब, क्योंकि वैक्यूम आप खुद करते हैं जी, तो आप फिर बर्तनों पे चले जाएं। भाई वो कहती है मेरी बहुत शिवरिंग हो रही है रात से, मैं बहुत तबीयत मेरी खराब हो गई, तो मुझे बर्तन ना दें, मैं मुझे वैक्यूम दे दें। उसको कुछ नहीं बोल, दे दो, बोलो सही है। ज़्यादा बहस करोगे वो फिर वो चाहिए रहेंगे, हम बहस करें फिर पड़ा हो, फिर वो समझे ना बात को, उसको बोलो सही है। I have to think about it. वजीर is the next बकरा तमाशा घर every week. वो जब तूने कहा था ना कि मैं हूँ तमाशा का अगला वजीर, तो बैकग्राउंड में आना चाहिए था मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है ब्रो, जब हम आवाम में रह के कुछ कर रहे होते हैं तब हमें एहसास नहीं होता, बारी तो सबकी आनी ही होती है, जब हमारी बारी आती है फिर हमें पता चलता है यार ये अगर मैं ना करता ना तो शायद मेरे साथ ना होता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भी तो नहीं किया था, मेरे साथ फिर भी हुआ, इसने नहीं किया था इसके साथ फिर भी हुआ, तो ये एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। It's time. बस अभी ब्रो मेरी दुआएं तेरे साथ, मैं भी क्या बोल सकता हूँ। अया तुझे समझ आ गई है जो बातें मैं तुझसे नहीं भी कह सका वो भी समझ आ गई है। खवातीन का मसला ये है भाई कि मैंने भी भुगता यही है कि दो खवातीन का आपस का मसला था, चार मर्द भी उस चक्कर में रगड़े गए, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया और मैं तो बीमार ही हो गया, अभी तक मैं सुबह उठता हूँ मेरी सुबह जुशांदे से हो रही है, तो तरीके से हैंडल कर ले, देख ले जो जिसमें कंफर्टेबल है दे दे, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन प्लीज आते जाते सुबह दोपहर शाम कैमरे को ये बताओ कि वजीर जो है ना सबसे दुखी इंसान होता है जब वो वजारत में होता है। मैं हूँ नया बकरा तमाशा उसका, नहीं मैं हूँ नया वजीर, ऊपर से बोलो सारा फुल ग्रेंजर वाली आवाज आई ना भाई की, जब मेरे वो गिरे सारे पजल तो ये आया डाड़ा, मैंने कहा ये प्रोमो शॉट तो बहुत खूबसूरत है। हाँ।
लेकिन अब जब ये जाके खड़ा होगा ना मेरे जूते पहन के, तो इसे पता चलेगा कि यार कौन सी जगह बची है जिधर से वो काट नहीं रहे। बोलो नताशा ने सही किया, उसने यहीं पे खड़ा हुआ था कर, बोला था देखे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, तूने ऐसे सवैयां झपट के खाई और ये यूं नहीं दे रहा। मैं सोचती हूँ मैं इस बारे में, ओए सोच के बताती हूँ। इधर ना मेरे से लफ्ज नहीं निकल रहा था कोई अलग से कि यार इस घर में तो कारमा चिंटी रोबोट से ज्यादा जल्दी रीलोडेड है भाई। सोच के बताती हूँ भाई, मगर इस पे परेशान नहीं हो ना, हम तेरे साथ हैं ब्रो। ब्रो हम तो कर रहे हैं तेरे सामने, हम नहीं बहकने वाले। कल भी घर का माहौल खराब था लेकिन हम चेयर अप कर रहे थे, हम यही कोशिश कर रहे थे कि भाई थोड़ा सेट रहे क्योंकि हम भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन खैर अभी तो खुदा का शुक्र अदा कर तेरे राज में ना किसी का चोरी की तरफ ध्यान है, ना कोई चीज छुपाने की तरफ ध्यान है, और 50 कैमरे तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं ध्यान कहीं और है अली भाई, अभी चोरी वोरी ये सब पीछे रह गई, अब जहाँ ध्यान है ना यार सिर्फ टॉर्चर करने पे ध्यान तो बस है। इससे बड़ा अब क्या जाएगा, अब ये एक अलग ही चीज है ना। ये बोला टास्क नहीं करेंगी, टास्क भी तो खेलेंगी यार। अरे टास्क तो यहाँ पे जिसको टूंडे पट्टी भी लगी होती टास्क में वो ऐसा गुले ये देखो ना, कोई यूं आ रहा है यूं आ रहा है यूं चलता है अबे केक यूं भी बैठ जाएगा, कैटवॉक शुरू हो जाती है ब्रो इधर। ये तो मैं कह रहा हूँ आवाम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो, मुझे लगता है कि 12-12 घंटे के दो दो रोज के देख के भी वो एक्चुअल सब नहीं समझ सकते ब्रो। वो जो टूर में इतने करीब से जो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, बड़ा मुश्किल काम है कि ये एंगल आएगा फिर वो आएगा फिर ये आएगा। तो कोई नहीं ब्रो, बता दे यार हम बर्तन भी धो देते हैं। नहीं बर्तन मैं धो दूंगा लेकिन मिलके कर लेंगे, लेकिन उसको भाई उसने रोजाना कोई ना कोई फटी डाल के अपना को हाईलाइट करना है रात सुबह सुबह उसको। नहीं नहीं वो रात में वो सोती है, सोचती है, पहले लेटते साथ ही सोचती है कि अब मैंने अगला प्लान क्या करना है जिससे मैं ना इनको तंग करूं और हाईलाइट हो जाऊं। एक से तंग नहीं करूं जुने, दूसरा ये कि देखो ना अभी वो नहीं है, कल भी हमने 7 लोगों ने बैठ के उसके बारे में बात की, अभी हम फिर 5-6 लोग उसके बारे में बात कर, तो वो ये कर नहीं, नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बात किसके बारे में हो रही है। नहीं वो बात नहीं, वो बात सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गंदा करती है सबको ब्रो। कल मैं बड़ा न्यूट्रल था, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, ठीक है। मेरे लिए मुझे तो जितनी लड़ाइयां नताशा से हुई है उतनी शायद भी किसी से, या फिर मेरी जितना गुस्सा उस पर आया है। कल आपस में जब बहस कर रही है आप बराबर का जवाब दे रही हो। पहले मैंने कहा कि ये लड़ाई ना हो, मैं बीच में आया, मैंने कहा प्लीज 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 मत लड़े मत लड़े। आप नहीं रुकी, कोई भी नहीं रुका, ना इस साइड से ना इस साइड से, मैं साइड पे हट गया। अब मैं लड़कियों को बीच में आके हाथ से पड़ के साइड पे तो लेके नहीं जा सकता ना, ना इनका मुंह बंद करवा सकता हूँ। मैंने कहा चलो अब नहीं सुन रही तो लड़ तो लड़ो, लेकिन हाँ कोई ऐसी चीज ना बोलो जो गलत हो। Yeah, I have done the buttons. You can do the vacuum. ठीक है, dusting भी कर दो। Dusting ये करते हैं। Okay. अच्छा जुनेद, girls room किसकी duty है? Girls room मैंने किसी की duty दी नहीं थी क्योंकि मैंने कहा था सब अपना अपना bed जो है वो साफ कर लें। मैं तो dusting और मैं ये सारे मतलब सफाई vacuum girls room का भी कर देती हूँ। ठीक है। अलियो अरूबा को ना, अरूबा को शक है कि अभी उसकी बॉल आएगी, अभी वो ड्राई कर रही है, जब वो चुप होती है ना एकदम शोर लगाते हैं अरूबा भाग भाग अभी चलेंगे एकदम ना, लेकिन उसका ड्रायर बंद होने दें। अच्छा उसको वो इस तरफ जाएगी भी नहीं कि बजाएगी नहीं बजा भगा दे आज वो अरूबा आटा गूंथ देगी। क्या करूंगी मैं? तुम्हारे हाथ से जो वैक्यूम ही छूट गया ना, वैक्यूम सॉरी ब्लो ड्रायर, वो आटा गूंदना। नहीं मुझे नहीं गूंदना ना, मुझे सीखना है। नॉट मैं तुम्हें सिखाता हूं आज। क्या मेरे नेल्स खराब हो चुके हैं? नेल्स कोई बात नहीं, नेल्स यूज नहीं होते, ये होता है, ये वैसे भी झड़ जाते हैं। मुझे नहीं सिखाना, मुझे सीखना ही नहीं है। वैसे भी हवा से उड़ उड़ के वैसे मुझे हवा से नहीं उड़ते हैं। पहले तुम बोलना अरूबा, फिर मैं और आप साथ चीखेंगे, ठीक है? अरूबा अरूबा भाग, अरूबा भाग, भाग अरूबा, अरूबा भाग, जल्दी भाग। क्यों भाई कितने बकवास है, मैंने कहा पता नहीं।
आवाज तो आई नहीं, गाना चल रहा है। क्या करी? अरे कहाँ भागू? लेकिन अली भाई की ऑब्जर्वेशन को भी सलाम है, कहने लगे हाँ वो सुनेगी भी नहीं कि म्यूजिक नहीं आई है। जी नहीं, मैंने टीवी देखा ना, तस्वीर थी ना जिम पे पहुंची, कहाँ भागू? बहुत अच्छे यार, बहुत मजा आया भाई। यार ये जो सेकंड्स का वो पीछे भागा, बोला क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। अब मुझे लगता है एक और आदमी जो नहीं रियलाइज करेगा म्यूजिक बजी है, वो नताशा है, उसके साथ भी करते हैं एकदम। सो दोस्तों, हर पायदान पे हम अभी लगेज रूम महसूस कराने के लिए आते रहते हैं। अभी आपने देखा कि सुबह रूबा के साथ भैजू के कहने पे हमने क्यूट सा प्रैंक किया, बड़ा सुपर हिट आइडिया, अब उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इस दफ़ा रिएक्शन कैसा होता है। लेकिन अरूबा ने जो शुरू के 5 सेकंड लगाए हैं, क्योंकि नताशा वॉशरूम में थी, उनको कुछ नहीं पता इस गेम, कुछ नहीं। यही खूबसूरत बात है, ये सबसे अच्छी बात है, वरना वो आते ही बोलती, हंसती हंसती भी आती है। ये क्या था? ये एंटरटेन भी करें, आ गई पर ताज़ा बताज़ा खबर। 2 मिनट अभी जूते आ रहे हैं, जूते पहन रही हैं, 2 मिनट बाद। 2 मिनट उमर किचन के पास जाओ, तुम्हारी आवाज़ सबसे करीब जाएगी। ओके। और सबने ना सबने एक आदमी स्क्रीन हमें चला जाए, नजर ही ना आए। अरे वो ड्रायर चल रहा है उसका, तो ड्रायर का तो और ठीक है ना, आएगी और ना। उधर जा, उधर जा। अरुबा चल, 3 1 2 1 नताशा, नताशा चली गई भाग के, पाइप के नीचे खड़ी हुई। आई नहीं, बॉय आई नहीं, फिर भी नहीं आई, फिर भी आई थी। और ये खुला भी हुआ था मुझे, तुम लोगों ने प्रैंक किया मेरे से, बहुत मारी है। नीचे खड़ी हुई है, बहुत नहीं आ रही यार। What an amazing timing, Miss Natasha Ali. आपको पता नहीं इससे पहले क्या हुआ है? साफ चढ़ा दी मुझे। क्या हुआ? अच्छा मैं आई नहीं। अच्छा मज़े की बात है, खुला भी हुआ है, बंद भी नहीं था। अरे आपने ऑडियो भी नहीं सुना? ऑडियो ही नहीं आया। नहीं मैंने ड्रायर ऑन किया। मुझे नहीं आवाज आ रही। Very healthy. Please. Very very. किया नताशा ने पहले। मैं मज़ा भी हुई है। हाँ तो फिर अब फिर तुम्हें टारगेट किया गया। सांस चढ़ा दे मुझे। इतना नहीं भेजू। बिना मजा की सांस। आई नहीं। मतलब तस्वीर भी नहीं आई। आपने आप जब रेस्टरूम थी, हमने अरुबा को भगा दिया। फिर भाग गई। जिम पे पहुंची, कह रही है कहाँ भागू? इसने देख लिया किसी तस्वीर नहीं आई है। वाह यार, व्हाट अ हिट प्रैंक। शुक्र है कि दरवाजा बंद नहीं था, वरना वो तोड़ देती। व्हाट अ हिट प्रैंक। लाते मार के। गुड गुड कॉल्स। आई नहीं, मैं तस्वीर भी नहीं अच्छा आई। भाई अब हमारे कोई आवाज मारे ना, तो पहले टीवी देख ले हम। आइडिया किसका था ये? फैजान चे। वेरी नाइस आइडिया, वेरी गुड आइडिया, प्रैंक। मैंने कैमरा में बोला भी, मैंने कहा मैं अब एक मुश्किल काम करने जा रहा हूं कि मैं नताशा से प्रैंक कर रहा हूं। कामयाब हो गए। आज सुबह हम लोग बैठे हुए थे, मैं इसी जगह पर बैठा हुआ था, हमारी एक बात हुई बड़े एक फन वे में, मसला कुछ और डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आपने 2-3 बातें की फ़न के अंदर, जो आपकी वजारत थी उसको लेके भी हुई। आपने कहा कि जब वो टास्क था, जब मैंने हाथ रखा कि मैं हूँ अगला वजीर, उसकी जगह कहना चाहिए था मैं हूँ अगला बकरा।
फन में था, लेकिन वो फन नहीं था मेरे लिए, तो नहीं था, क्योंकि मैंने जाके सोचा उसके ऊपर, काफ़ी देर सोचता रहा, बीच में जहाँ मौका मिला मेरे जहन में वही चीज़ चल रही थी, आपकी वजारत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मैं इस बात को मानता हूँ। मैंने आपसे सवैयों वाली बात की, बहुत गलत बात थी, बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे बात में। मैं आपके सामने खड़ा हुआ कि मैंने खाना नहीं बनाना, एक बगावत का एक आगाज़ किया, नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से बहुत लोगों ने सफ़र किया, आपने सफ़र किया। पता है मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की होती थी? तू डे वन से मेरा फेवरेट था, तुझे पता है। बिल्कुल, मैं हमेशा तुझे कहता था कि जुनेद तू मुझे टॉप थ्री में नज़र आता है, अभी चार दिन भी नहीं हुए थे। कहा था आपने? मुझे इससे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था ब्रो कि ना मेरी वजारत ख़राब हो रही है, मुझे तकलीफ़ सिर्फ ये थी कि मैं जिससे इतना प्यार कर रहा हूँ ना वो यूज़ हो रहा है, सब कर रहे हैं, नज़र आ रहा था, प्रैक्टिकली तू आगे लग जाता था। मैंने सिर्फ आज ये जुमला इसलिए बोला कि यार मुझे ये लग रहा था कि तेरी ज़िंदगी में कश्मकश तो शुरू हो गई है, लेकिन जब तक तू मेरी जगह आके खड़ा नहीं होगा ना, तुझे मेरी सच्चाई में पहले दिन से कहता था यार तुम लोग जाके देख लेना। और मैंने हमेशा तुझे कहा है कि ब्रो कुछ लोग होते हैं वो चलाक नहीं होते, उनकी ताकत ही उनकी मासूमियत है, तू एक इनोसेंट इंसान है, तू प्रवोक हो रहा है ब्रो, तू हीरो है, तेरा हीरो छुपाया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती विलन एंटी हीरो के टैग्स लग रहे हैं। तुझे क्या लगता है जब मैं ऑडियंस रिस्पॉन्स देखता था मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी? मैं कहता था यार अल्लाह का शुक्र है ये जज्बाती है, ये मेरी जगह वज़ीर नहीं बना, जिस वक्त सारे तुले ही हुए थे इस बात पे कि यार बस वज़ीर को गंदा करना है भले सगा भाई क्यों ना हो, बट मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, जो अच्छा होता है ना अल्लाह पाक उसकी खुद मदद करता है, तो ब्रो वी आर ब्रदर्स फॉर लाइफ। नहीं बाकी एक और चीज़ कि आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी फैमिली को हर्ट किया, आपने जैसे कहा कि लोगों की बातें, मैं आया हूँ बिल्कुल, और बाकी जैसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैंने आपके बेटे को हर्ट किया, आपकी बेटी को हर्ट किया, आपकी फैमिली को हर्ट किया, आपको हर्ट किया ख़ास तौर पे। आपने मुझे पहले दिन बताया था कि मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए आया हूँ, उसने मुझे कहा था, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी भी बेटी है, अगर कोई उसके सामने जाके मेरे बारे में कहेगा मुझे भी हर्ट होगा। भाई तेरा भतीजा है वो और वो मेरी बेटी है, बगले लाई दिया तूने आज। I'm happy you are back, bro. मैं नहीं चाहता कि हम लोग डांस करें, इंजॉय करें, तो वो जब आई साइड मिलती है ना तो वो नफरतें बिल्कुल हो दिल में, कोई दिल खाली हो, वो इंजॉय करें जैसे पहले करते थे, मैं दानिश भाई आप उमर हम सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से वैसे ही रहें, दिलों में वो चीज़ ना हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसे मैंने ये बात कही, बिल्कुल मुझे याद नहीं थी लेकिन मैंने बात कही, मुझे बाद में रियलाइज हुआ मैंने बात कही ये वाली। और आप मेरे सीनियर हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं यहाँ पे हमेशा कहता रहा हूँ कि सीनियर जूनियर नहीं होता लेकिन सीनियर सीनियर ही होता है और हमेशा रहेगा। लव यू मेरी मस्तू। देख मुझे बेस्ट वजीर का अवार्ड मिल जाता मुझे इतनी खुशी नहीं, नहीं, नहीं वो जो है, अभी आप मुझे है बेस्ट वजीर, मैंने आपसे सीखा है। शहजादा है था। पे एक सवाल करूंगा, बारी बारी सबको जवाब देना पड़ेगा, जो नाम आएगा उसके चेहरे पे आप स्प्रे कर देना, उनमें से किसको नहीं होना चाहिए टॉप फाइव? नेहा को टॉप फाइव में नहीं होना चाहिए। नेहा बस एक ही गेम खेल रही है, लड़ना झगड़ना है और कंटेंट बनाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय कश्मीर बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलन्स एंड वीट। अंदर चल के इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं, कुछ बातें इनकी मैं सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि इनको मैं एक बात पहले बता चुका था कि कुछ टाइम मैनेजमेंट भी चीज़ होती है, मगर इनको समझ में नहीं आ रहा, चलें इनसे बात करते हैं।
क्या हो रहा है? खाना क्यों नहीं तैयार हो रहा? क्या वजह क्या हो गई है? खाना तो हो गया। कब तैयार हुआ? खा भी लिया। कितनी देर में? कब हुआ? डेढ़ घंटे में। तीन घंटे लगे आपको खाना बनाने में? तीन घंटे? ऐसे ना करें यार, अब दस दिन के अंदर टाइम मैनेजमेंट होगी, एक एक मिनट काउंट होगा और ये काउंट होगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हर मील का एक ख़ास वक्त होगा, उसी में खाना बनेगा और खाया जाएगा। वक्त से ऊपर जाएंगे तो पैसे कटना शुरू हो जाएंगे, हर लेट पे 50,000। ठीक है, तो टाइम कैसे होगा? जैसे ही आपका एक सुबह डांस शुरू होता है उसके बाद आपकी तैयारी का टाइम शुरू हो जाएगा। 45 मिनट्स मिलेंगे आपको, मेकअप करें, नहाएं, जो भी करना है 45 मिनट्स। अलार्म का एक साउंड सुनाई दिया जाएगा और टाइमर चल जाएगा, इस स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक। टाइमर ख़त्म, काम ख़त्म। और अगर उस टाइम पे नहीं हुआ जो कहा है तो 50,000 रुपये माइनस। ठीक है, अब नाश्ते की तरफ आ जाते हैं। कितनी देर में नाश्ता होना चाहिए? 30 to 40 minutes। सर 30 मिनट्स दिए मैंने तो लंच के भी, मैं अब टाइम दे रहा हूँ आपको, 40 मिनट्स दूंगा, बस बनाएं और खाएं। चले 40-45 ले लें आप, 45 दे दिया मैंने आपको, आप उसमें खाना बनाएं भी और खाएं भी, यही टाइम दूंगा डिनर पे भी। तो चार मौके हैं आपके पास, चार मौक़ों में आप क्या कर सकते हैं, 2 लाख गवा सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं इसको आप। ऑल द बेस्ट एंड एन्जॉय, आई कम अगैन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डिनर का क्या सीन है? पराठे भी से बना लेते नहीं, हैं। नहीं, चावल आपने चावल है। रोटी आपने खानी है? नहीं मैंने नहीं खानी, मैं चावल ही खाऊंगी। चावल खाएंगे? चावल डन। चाय 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 प्लीज। चाय निकालो, चाय निकालो, चाय निकालो, चाय निकालो, चाय निकालो। यार ये तो पूछा ही नहीं कि बीच में तो चाय बनती है, वो तो नहीं काउंट होगी ना? नहीं सवाल करो दोस्त, पूरा दोस्त बीच वाली अभी वाली जो हम शाम में चाय बनाते हैं, सवाल ही नहीं करो। चाय है बोला ही नहीं, नहीं कोई सवाल। मैं तो कह रही हूँ एक ही दफा सारों के ऑमलेट बनाओ और या सबके फ्राई अंडे बनाओ और बस जो टमाटर डालने हो तो फ्राई दे देना और खाने के भी नो डिमांड, जो मैं 45 मिनट्स में बना सकती हूँ। 45 मिनट्स खाना भी है, 45 मिनट्स में खाना भी है। हां यस, 45 मिनट्स के अंदर खाना भी है। आपको सुने, नाश्ते पे आपको तीसरा आदमी लगाना पड़ेगा जो अंडे दर्द। हाँ, नाश्ते पे एक बंदा और चाहिए, एक बंदा और चाहिए, नहीं दर्द 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 बनाते जाएं। हाँ हाँ, उसको शौक भी है तो नहीं अंडे बना ले हम फटाफट, अंडे पराठे और चाय पराठे और पराठे। आप ना उनसे वो बड़ा बड़ा ब्रश मंगवा लें, कट 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 कूचियां मंगवा लो सारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक जुनेर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। कैसे हैं उमर भाई? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अली भाई सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। नताशा जी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो नया, हेलो, और कैसे हैं आप? ठीक ठाक बैठे हैं प्लीज। बड़ा टफ टाइम जा रहा होगा, और सुनाएं सब ठीक है? थोड़ा मुश्किल टाइम होगा, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल टाइम। आप में से कौन आइसक्रीम, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक कौन लेना चाहिए, खाना है किसको चाहिए? सर ये तो सर कॉफी के लिए कामी भाई सब परेशान है, सब परेशान। ऐसे तो नहीं ना मिलेगी, कोई गेम तो खेलनी पड़ेगी। जी 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 जी। जुनेद आप बादशाह के रूम में जाएं, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं वो ले आए। मैं अभी मैं एक सवाल करूंगा, बारी बारी सबको जवाब देना पड़ेगा, जो नाम आएगा उसके चेहरे पे आप फॉर्म कर देना, आपने स्प्रे कर देना। थोड़ा सा सस्पेंस मैंने कहा जरा शुरू कर दूं। जी सर। फिजान आप मुझे बताएं इनमें से टॉप 5 में किसको नहीं होना चाहिए, टॉप किसको नहीं होना चाहिए टॉप 5? स्प्रे भी उठा ले, फिर एक नाम आपको बताना पड़ेगा और चलो जी मुंह पे मारना पड़ेगा। मुझे ओपनर भेज देते हैं बार-बार। बस क्या करें आप इस वक्त ना विकेट भी गिरा। जी जी। टॉप 5 में मुंह पे कोई हाथ नहीं रखेगा, ये भी शर्त है। तीनों चीजें अगर चाहिए तो टिश्यू रख सकते हैं? नहीं कुछ भी नहीं रख सकते। नहीं कोई बात नहीं, आपका मेकअप मिल गया आपको, पहले आपको मेकअप मिल गया जो नहीं, नहीं मेकअप की जरूरत नहीं है। अच्छा साइनस का स्प्रे बस चलें सर, बुरा नहीं मानेगा यार। नहीं यार अब ये गेम है ना,
तो मैं प्यार से करूंगा। टॉप फाइव में मुझे लगता है नेहा को नहीं होना चाहिए। अच्छा, रीजन भी देना या बस? रीजन आप बताएंगे। अच्छा, जरूर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बुरी प्लेयर नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं। अच्छा, भी तो अच्छा, लेकिन एक चीज है, आप में से कोई नेहा को समझा कोई नहीं है अभी तक? जी सर। हाँ जी, अब जुनेद यही है और सेम रीजन है कि सब आपस में जो बॉन्डिंग है सबकी बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पाई और हम भी इसको नहीं समझ पाए सही तरह से। जुनेद, अब ये नहीं बात कर लो, फिजान ने जिसको कहा आपने भी उसी को ही कहना, मुझे पता है आप एक ही है, कॉपी ऐसे ही करते हैं। नहीं नहीं, ये आप फिर डिसीजन ले अपना, किसी को देखे ना करे, बिल्कुल अपना ही मेरा, बेफिक्र है, फिजान भाई जाके आपको कुछ नहीं कहेगा, ये दिल से मेरा अपना डिसीजन है, मेरा शुक्र है। चले, दूसरा वोट भी नेहा को। नेहा, अब आपकी बारी। मैं पहले बता देती हूँ, नताशा। यही आपका रीजन भी बता दें आप। रीजन मैंने पहले ही बता दिए। अच्छा, रीजन ये है, नताशा से कोई मुझे पर्सनल ग्रज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने इनसे सॉरी भी किया था, जो मेरी गलती भी नहीं थी उस पर भी, फिर भी इन्होंने मुझे टारगेट किया और मेरे ऊपर बहुत सारी इल्जाम लगाए, उसके लिए इसलिए नहीं होना चाहिए। ये पता लग रहा है कि आप चाह रही हैं। हाँ, वो फाइनली पता चल रहा है। नताशा, अब आपकी बारी। नेहा कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, उनको समझ ही नहीं आया अभी तक कि गेम कैसे खेलनी है तमाशा घर में, तो नेहा को टॉप फाइव में नहीं होना चाहिए। ये मुंह पे करना था, फेस पे करना था, बस बहुत ज्यादा हो गया, गोला गंडा बना दिया आपने। गोला गंडा बना दिया। जी दानिश, दानिश आपकी बारी। रीजन वही है कि यहाँ बस एक ही गेम खेल रही है, लड़ना झगड़ना और कंटेंट बनाना है। अच्छा, खत्म हो गया ये। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा खेल रही है। खत्म हो गया, अब नया अली भाई खत्म हो गया, इसको नीचे। कोई बात नहीं, अभी तक जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मोनोटनस आ गई है, जिसमें मैं चाहूंगा कि नताशा थोड़ा सा अपनी गेम को अब चेंज करें, क्योंकि वो फ्लेवर थोड़ा अब पुराना हो गया है। इसने भी अपनी फ्लेवर को चेंज किया, इसने तो आज बहुत ही चेंज किया, वो आप देखेंगे तो आप शायद आपकी आंखों में भी ग्लेयर आ जाए। तो माफी मांगी आपसे, मैंने देखा, इसको माफी मांगी, देखा मैंने, पैरी बैग भी करने करने कोई बात नहीं, सुपरस्टेशन क्यूट, क्योंकि एनु मैं समझा लेना, बाकियां ने नहीं समझना मेरी गल। जी उमर भाई, अब मैं वजीर हूँ। एक दो बताना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन ये वाकई गेम है, गेम को ये समझे सारे, कोई पर्सनल ना ले। अच्छा, मुझे लगता है अरूबा। ओके, रीजन ये कि मतलब बहुत अच्छा खेल रही है, कुछ गेम्स बहुत ही अच्छे खेले, और लेकिन थोड़ा सा जरा एक जरा सीरियस नहीं है टूवर्ड्स कि मतलब उसको खुद नहीं पता इसको इसमें कितना पोटेंशियल है और कितना अच्छा खेल रही थी बीच में एक बिल्कुल ही। उमर, मैं इनके मैंने ड्रामे देखे हुए, आप बस करें। कहना चाह रहे हैं तकरीर बंद करें और स्प्रे करें। हाँ, या अल्लाह, फिर एक घंटा लग गया मेरे को। चलो हवा नहीं करी। हाँ, ये अबे 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 चल, अब अगला सवाल। कौन इस घर में अपने आप को बड़ा स्टार समझ रहा है? शुरू आप दूसरी तरफ से नताशा से कर। बड़ी मेहरबानी सर, मैं जुनेद की तरफ बढ़ूंगी थोड़ा सा। ओके, क्योंकि मैं अपने आप को स्टार, जुनेद को, जुनेद डोंट माइंड, क्योंकि जुनेद को नया नया फेम मिला है, तो कहीं थोड़ा सा शायद वो अगर बात भी करते हैं ना अबाउट हिज सीरियल, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी स्टार किसी ने बनने की कोशिश की है। ये सफाई आपने करनी है, ठीक जी सर। ये वजीर बताएगा जी, दानिश। हाँ जी, अच्छा स्टार जो है वो जुनेद ही है, क्योंकि इसने बड़ी हमारे पूरे पूरे ड्रामे की स्टोरियां सुनाई है भाई। अरुबा पूरी रात बैठ के पूछेंगे तो सुनाऊंगा। बस पेंटिंग कर रहे दानिश भाई, अपना ना भूला करेंगे आपके ऊपर भी टाइम। जी नया दाग साफ। मैं हाँ जी। ओके, सबसे ज्यादा जो स्टार है वो
जुनेद ही अपने आप को समझते हैं और जब शुरू से आए थे तो बात करके भी अंदाजा हुआ था कि है प्राउड प्राउड सही है लेकिन वो कभी कभी थोड़ा सा ओवर हो जाता प्राउड अभी जुमला ही बोल रहा था अभी तो बोल रहा था उसके मुंह में चला गया सारा चले फैजान अब आपकी बारी मेरी बारी सर उसमें का मजा आ गया तो आपने इन्होंने वोटिंग अपील में भी जिक्र किया कि अभी आप लोगों ने मेरा हिट ड्रामा देखा मेरे पास तो सबूत मौजूद है आइए पीछे से करेंगे तो अच्छा, सही होगा जो आपने इनके साथ ड्रामे में किया वो यहाँ पे कह रहे जो आपने ड्रामे में किया वही कर दिया जी उमर भाई जी सर ऐसी है कुछ वैसे सारे स्टार हैं लेकिन मैं अपकमिंग स्टार को वेलकम करे 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 बिस्मिल्लाह तुम अभी मेरे ऊपर कर लो तुम कर लो तुम अभी मेरे ऊपर ही करो एक तीर से दो निशान एक तीर से दो निशान तुम मेरे ऊपर दो निशाने हो गए एक पुराना स्टार एक नया स्टार वेल डन जी अली स्मार्ट आदमी अब आपकी बारी आप तो हंसी खुशी बता देंगे ताजा ताजा मेरी धी ने साबुन लाया है पूरा ही दबा दिया फिर ज्यादती हो जाएगी अगला जो भी होया तू तैयार नहीं लगाए बेशक पूरा नहीं ला दे क्यों मैं पागल ऊपर हो नहीं लेकिन ये है कि ये है तो स्टार नो डाउट तो मैं आगा भी आके दस गया ते बिल्कुल ही काबू नहीं आ रही जी अरोबा आइए आइए मुझे पता था ये बदले की आग में जलना शुरू जाती है आ जाओ इसका जवाब देने की जरूरत नहीं मैं समझ गया हूँ मैं समझ गया हूँ इसका जवाब व्हाट ही इज अ स्टार एक्चुअली ही इज अ स्टार उमर के बहुत फैंस हैं और ये वाकई एक्चुअली स्टार है और लोग जो हैं वो बहुत पसंद भी कर रहे हैं तो आई थिंक ही इज अ स्टार जाओ जुनैद नहीं नहीं आप नहीं नहीं जाओ जाओ एक फैन का मैसेज आया था जिसके बाद पूरा दिन हम लोग एक चीज सुनने को मिली आई गॉट फैन मैं स्टार बन गई हूँ लेकिन मैंने मैं खुश मुझे मैं इसलिए आपकी बारी भूल गया था मैं नहीं उठाना चाह रहा था मुझे पता था आपने यही करना ये क्यों भूल जाते हैं जो करोगे वैसे भरना पड़ेगा ये क्यों भूलते हैं अभी सवाल बहुत सारे बाकी हैं चल नहीं सर वो एक जिंगल राजा ने बनाया था जी सर जी डबल फेस कौन है घर में मैं अली भाई से शुरू करना चाहूंगा शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा था तो उसके लिए मैं थोड़ा सा फैजान को लगाऊंगा क्योंकि समझने में देर हुई और अब जब मैं समझा तो खूब समझा सर स्प्रे करना शेव नहीं करनी यार कामी भैया अरे मुंडा हुन बिल्कुल ठीक हो गया तो तुसी केड़े टाइम पूछ लिया मेरे को फिर वही चले जी तो देखें वो पूरा स्नोमैन बन गया कंबल ले आइए सो जी सर मुझे भी शुरू शुरू में ये अच्छा लगा मैं एक ऑप्शन दे सकता हूँ इस गेम में अपने फेस पे भी स्प्रे कर सकते हैं इस सवाल पे सिर्फ नहीं शुरू शुरू में यही था कि फैजान सबको यही लगता था बड़ी डिस्कशन भी उसके ऊपर कि ये सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैंने जाना लेकिन तो फिर बात चेंज होती गई वो फैजान भाई को भाभी बता गई थी ये गेम है समझना भी है जी नताशा डुअल फेस की बात हुई है तो मैं भी फैजान के बारे में थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड हुई थी कि मुझे लगा था कि ये मेरे सामने कुछ और होते हैं हुई नहीं थी हैं आप अच्छा स्टिल अभी भी हैं नहीं आई थिंक इस वीक में जब तक हैं आप रहेंगी मुझे लग रहा है तो फैजान आपका हक है चले आ जाएं चले नया मैं कहता हूँ फिजान भाई की जगह ना आप बैठ जाएं एक दूसरे को स्प्रे करते हैं फिजान भाई उठ जाते हैं आप दोनों के बीच में नहीं नहीं मैं करना चाहूंगी दानिश के फेस पे
ठीक है, ये कभी कुछ और होते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं और आके फिर बात किसी और को कहते हैं। मैं 10 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ, इतना ही है। कुछ और नहीं होते। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इनकी बातों की बात कर रही हूँ कि ये कभी कुछ और बात कर रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो चेंज करते हैं। तो ये ले दानिश नहीं करना चाहिए आपको ऐसे, मैं बहुत सीधी। तो मैं मैं वजीर जुनैद में एक चेंज ओवर आया था जो कि मुझे मुझे लग नहीं रहा था कि ये मतलब वाकई में ऐसा चेंज हो गया है, लेकिन उसके बाद से वापस आ गया। मतलब वो चीज, सो गुड टू हैव यू बैक ब्रो। तो ये वेलकम वाला है, समझ लो। मुझे पता था क्योंकि मुझे भी स्टार्ट में कुछ लगा कि फैजान इस तरह, क्योंकि वो उस वक्त तक इनको जाना नहीं था, अभी भी लग रहा है। बट अब नहीं लग रहा, लेकिन उस लगा। मुंह से पहले साफ करें। कल की ऑडियो के बाद यकीन नहीं होता तुम्हें। जी फैजान, अच्छा मेरी बारी रह गई थी। हाँ जी, मैं तो इतना नहाया हूं कि भूल गया। अब बताना तो पड़ेगा ना। जी जी सर, मैं अकेला रह गया, मैं भी रह गया ताकि सोच के, मतलब मैं भी रह गया, मैं भी रह गया। ये लास्ट है आप? नहीं, मैं भी रह गया। दानिश भाई भी हैं और दानिश भी अभी रहता। अच्छा। नजर नहीं ना आ रहा। दो ऐसे लोग हैं जिनके मूड स्विंग्स या जिनकी चीजें मैं थोड़ा कम पकड़ पाता हूँ। एक उसमें से नेहा है, क्योंकि वो एक दिन कुछ और होती है, सुबह उठती है कुछ और हो जाती है। एक थोड़ा सा नताशा का वाला मसला, 40 दिन एक घर में रहे, असर तो हो जाता ना एक दूसरे का। बिल्कुल ऐसी है। तो वो नेहा से मैं कर चुका हूँ, तो मैं सोचा नताशा के बराबर कर देते हैं अभी। लेकिन मैं बहुत प्यार से करूंगा नताशा, आपने घबराना नहीं। बस चले आइए दानिश जी। इतना क्या ऐसी हाथ से उतार? ड्यूल फेस। मेरे ख्याल में नेहा ही है, क्योंकि वो रात मुझे लग रहा था कि आप जुनैद पे करोगे जैसे अर्ली ऑन लड़ाई हुई थी। नहीं वैसे नहीं, सीरियसली घबरा गए आप? बिल्कुल डर गए आप? नहीं घबरा नहीं, सही होती है अचानक से, ये दूसरे दिन जो चेंज हो जाती है बिल्कुल। अच्छा आ जाएगा, मेरे पर आ जाएगा। तुमने और मैंने रिकॉर्ड बनाया। अब आप ग्लासेस इधर रख दे। अरे सर, सर अब बगैर ग्लासेस के तो नहीं मानना पड़ेगा। कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम आप लोगों को मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और जबरदस्त। आप सबको अगेन मैं आप लोगों के साथ खड़े होके उनको हेलो बोलते हैं। सलाम। रेहान, श्यान, शेरे, रेहान, नेहा और मेरा बेटा आया। लव यू, लव यू, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपने लॉन्ग टाइम। हाँ जी जी, भाई निकल के दिल में कोई बात नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। अब मैं भी जाके जिम करूंगा। वोट करेंगे जरूर, वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको देखेंगे, वो देखिएगा। बाहर आएंगे तो यहाँ आएंगे तो आप सबसे मुलाकात। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं तुझे कैसे करोगे यार? अच्छा इट्स फाइन। नहीं दो, इट्स फाइन। नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसे चाहिए यार। उसकी मर्जी, वो मॉर्निंग में सबको एक चम्मच देगा। तो जिसको जो चाहिए उसको दो, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? सुबह एक चम्मच मिलेगा, किसी को रात को मिलेगा, दवाई थोड़ी है यार। डबल फेस फैजान ही मुझे ज्यादा, फैजान को ही होगी लगती है, क्योंकि वो कुछ होती है अचानक उसका मूड चेंज जाता है। नहीं नहीं, वो डबल फेस नहीं है, वो उसकी कंफ्यूजन है। हम उसको डबल फेस नहीं कह सकते। अच्छा, वो हर वक्त कंफ्यूज रहती है, उसको समझ कभी वो ठीक हो जाती है, कभी वो कंफ्यूज हो जाती है, तो वो कंफ्यूजन का शिकार है। लेकिन डबल फेस जो है ना, वो फैजान के लिए सही है। टेढ़े 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 टेढ़े। वाओ, आइसक्रीम तो रख दो बगल में, जल्दी से रखो फ्रीजर में।
फ्रीजर खोलिए वाला आइसक्रीम बड़े दिन हो गए आजा भाई करे राणा नहीं है बस इसका लबे चीरी वाला हाल होता हां ये सबको ये वजीर की कस्टडी में एक एक चम्मच मिला इसके टॉप से अरे आइसक्रीम अभी खाते हैं ना निकाले ना अभी एक मिनट तो रुक जाओ पांच मिनट मुझे ऐसे ही खानी है निकाले ज्यादा घर में लग्जरी आई है आपकी चाबी मेरे बुलबुले आप सबकी चाबी मेरे हाथ में है इंटरेस्टिंग मूव है कि हमें कुछ लग्जरी आइटम्स भेजे गए यानी कि दो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम जीते हैं दो आइसक्रीम जीते हैं कॉफ़ी जीते हैं लेकिन मेरे मासूम दोस्त ये नहीं समझ रहे कि इस पर काफ़ी मसले खड़े हो सकते हैं देखते हैं क्या होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे काफ़ी मसाइल खड़े होंगे उसकी मर्जी मॉर्निंग में सबको एक चम्मच देगा किसकी मर्जी है उसकी मर्जी थोड़ी है मर्जी बोल रहा हूँ यार ये सबको मिला है आप दे दे अगर किसी को चाहिए तो यार आइसक्रीम भी तो हम अभी खा रहे हैं तो फिर सुबह नहीं वो पिएगी पूछ ले अगर सुबह नहीं एग्जैक्टली यार सबके लिए और यार ऐसे नहीं करो ना यार जिसने आइसक्रीम खानी थी कहा रहना है यार दे दे उसको तो जिसको जो चाहिए उसको दो कॉफी दे देनी चाहिए नहीं इसको लाएं हम कौन होते हैं फैसला करने वाले सुबह एक चम्मच मिलेगा किसी को रात को मिलेगा दवाई थोड़ी है यार आ जाओ रिलैक्स कुछ नहीं ऐसा नहीं करो अभी एंजॉय करने बैठे हैं बोले आपने बोला है आपको नहीं बोलना चाहिए था अभी रख रहे हैं यार दे यार वजीर उसको दे यार मजा खराब कर रहे हैं ऑल गुड आप ये बोल देती ना मैं अभी पीने के लिए बैठी हुई हूँ हमें लगा आप कप में भर के रखना चाह रही हैं कहीं जो रूपा कह रही थी आप भी तो रूपा को दे आइसक्रीम के ऊपर कॉफी छिड़क के दे खाना चाहती है तो नहीं मैं कुछ भी नहीं ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी डाल के दे नहीं मैं कह रही थी कि दे दे उसको कॉफी मैं हां सही मुझे पता तू यही कह रही थी नहीं दे दो कॉफी मुझे पता तू यही कह रही थी एग्जैक्टली हम किसी को नहीं रोक अरे रूपा तुमने कहा था ना कि हमें दे दो कॉफी मैं अपनी रख रही हूं वेरी ऑनेस्ट हिसाब किताब इसमें नहीं करना चाहिए सबको एक जैसे बराबर मिलेगी ये सबने बराबर में जीता है वजीर आपके सामने बोल रहा हूं आपने रूपा ने फैजान ने और मैंने नहीं खाई टेस्टी आइसक्रीम ब्रो लीव ऑल दिस भाई आपने फैजान ने मैंने और अरूबा ने आइसक्रीम नहीं खाई है तो हम खाएंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये डब्बा है और ये डब्बा और पड़ा हुआ है दो डब्बा है डब्बा अब बहुत आइसक्रीम है ये ना कि वो अच्छा एक मैं और बात कहना चाहता हूँ एक मैं और बात कहना चाहता हूँ दो अलग अलग फ्लेवर्स हैं बेसिकली कॉफी के अच्छा और वो दूसरा मैं कॉफी नहीं पीऊंगा आप मेरे हिस्से की कॉफी नेहा को दे दें ठीक है मैं नहीं पीता क्योंकि ब्लैक कॉफी इज नॉट माय कप ऑफ टी आप ब्लैक कॉफी है दूध मिलता नहीं है तो कैसे ब्लैक के अलावा व्हाइट करूंगा मैं चाय मक्खनी है ये लगदी मिली है साथ में हम लोग को और क्या मिला कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कॉफी ठंडी होने से पहले कोई खोले ना कोल्ड ड्रिंक कौन लेगा मैं तुम एक वक्त मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ मैं ले लूंगा ब्रो जी हमने बहुत बुलबुला पर्सन मोहब्बत को फरोग दिया है सब बांट लेंगे सब बांट लेंगे आपके ऐसे की जुनेद जुनेद सब बांट लेंगे भाई को दे सब मिलकर क्या बांट सब मिलकर दो ग्लास में से कितने का पी लेंगे जितने भी मिले सब बांटेंगे दो ग्लास तो नहीं होंगे अरे नहीं मैं नहीं पीती ना वो जंबो लीटर वो भी नहीं पीती नेहू भी नहीं पीती तुम्हारे ऐसे की मुझे दे आइसक्रीम भी आप लोग मेरे ऐसे की कोल्ड ड्रिंक भी आप लोग पी लें आप लोग लगाने की क्या जरूरत है मुझे सिर्फ अली हां बस मुझे सिर्फ कॉफी का चम्मच चाहिए मैंने तुझे अपने कॉफी के सारे चम्मच पॉजिटिव सोचना चाहिए क्या पता दो दिन चलेगी दो दिन तो बाकी आप पॉजिटिव सोचना चाहिए यार ये लग रहा था कि कामरान भाई बाकायदा फॉलो कर रहे हैं भाई वो मैं आपको बताऊं ये वैसे भी जब मिलते ना ये पूरे ड्रामे सुना देते हैं पूरा पूरा याद है वही ना मैंने सैफी के साथ टूर किया ना यूएस का उन्होंने पूरे पूरे ड्रामे सुना दिए अंदर पता नहीं क्या अलग से जुबान लग अलार्म खाने का अलार्म शुरू डिनर का ये डिनर का अलार्म है डिनर का है कि डिनर कर लो हाँ कर लो करना है तो करने में ही देर में करना बस यहाँ 45 मिनट्स है यहाँ से 45 मिनट्स है ना मैं प्लेट बना लूँ करना किसी आराम से कर लूँ यार मेरा तो बिल्कुल थोड़ा सा करना ही चाहिए उसके बाद नहीं खाने देंगे जो खाएगा वो 50,000 कटेंगे यही टाइम है खाने का नहीं खाना थोड़ा सा खा ले मैं रखते हैं सामने धीरे धीरे भूख लगेगी तलो 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 खाने ब्रो देख लो फिर बाद में जब घंटे दो बाद तुम्हें भूख लगेगी ना लाइटें ऑफ होंगी
मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं करना है डिनर, क्या करें समझ नहीं ब्रो। तू ये सवाल अपने आप से कर। सबने मिलके ये डिसाइड किया है कि कल ब्रेकफास्ट पे तीन बंदे होंगे, उसके अंदर ये है फैजान है, उमर है और नताशा होंगे। कल ब्रेड है, बड़ी आसान चीज, मतलब कि एक सेकता रहेगा, ठीक है। साथ में जिसको टोस्टर में करनी है, एक बंदा टोस्टर पे हो जाएगा, और साथ में अंडे बनाते रहेंगे, और दो हम लोग फ्राइंग पैन यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग अंडे जितनी जल्दी, और जिसका बनता जाएगा प्लीज़ वो किसी का वेट मत करे, वो खाता रहे, क्योंकि वेट करने में ये होगा वो रह जाएगा आखिर में। yes. और आखिर में जो रह जाएगा, और बाकी ये कि लंच में हमने ऐसा सोचा है कि चार बंदे होंगे मेरे, चार बंदे होंगे पहले हम लोग, उमर को हमने एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि उमर जो है वो तीन टाइम का आटा गूंदेगा, साथ में फैजान होगा, नताशा होंगी, और नया आपकी थोड़ी चाहिए हम लोग को, क्योंकि रोटियां जो है ना हम लोग को, आटा हम लोगों ने पेड़े बना दिए, ठीक है, पेड़े और रोटियां में पेड़े हो गए, पेड़े हो चुके हैं, आपने सिर्फ बेलनी है, आपने बेलनी सेकनी, और सेकनी ये उसने है, वो भुजिया बनाएगी, भुजिया बनाएंगे, और उमर तीन टाइम का आटा गूंदेगा, तीन टाइम का, क्योंकि 45 मिनट में हमें पकाना भी और हमने खाना भी है। और प्लीज रोटियां बनती जाएंगी, जिस बंदा लेता जाए खाना, बैठता जाए खाता जाए, और प्लीज क्योंकि ये होगा कि अगर टाइम लेट हो जाता है, खुदा ना खास्ता हम लोग कोशिश करेंगे ना हो, तो फिर कोई माइंड ना करे कि भाई मैं रह गया हूँ, ये हो गया, जो उस टाइम में हो गया वो माइंड तो नहीं करोगे रानिश? नहीं, मैं पहले लेके, ठीक है, इसीलिए जो फ्री होगा और जो बना रहे हैं वो भी कोशिश करें कि टाइम को ऐसे मैनेज करें कि वो लोग भी भूखे ना रहे, और हम कोई भी नहीं चाहता चूल्हे पे खाते रहे, हम चूल्हे पे खाते रहे, कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी ज्यादा ना हो, कि वो लोग सिर्फ बना रहे हैं वो लोग रह जाए, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या कर रही हैं आप? आटा गूंद के रख रही हैं। आप आटा नहीं गूंद सकती अभी। ओ भाई, आप इस वक्त आटा नहीं गूंद सकती। अच्छा, अभी 50,000 में पड़ना है हमें रोटी, वापस रख दें। अच्छा अच्छा, ना बेटे सुबह इतने कॉन्फिडेंस से, मैंने कहा क्या कर रही है? तो अभी वो एक्चुअली ओके ओके, आई गॉट इट, टाइमर के बीच में ही, ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग माय डियर कंटेस्टेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग गेमिंग एरिया में चले जाएं और जो जो खतरे के घर में है एक एक स्टेशन के आगे खड़ा हो जाए। ओके सर। Oh my god. Oh my god, this is nice. Hello, hello. Kuch samajh aa raha hai? Ji sir. So, is game ka naam hai Pot Your Luck. Aa jao ladko. निकालो अपने। ओके, सो ऑफ कोर्स पहले आप लोग ट्रैक बनाएं, ये पूरा पजल बनाएंगे, जब आपका ये पजल तैयार हो जाएगा उसके बाद आपने ये पिंग पोंग की जो बॉल्स हैं इन होल्स के अंदर आपने पॉट करनी है, और ये एरो दिया है, सो बेसिकली इसको उठाएं, सो अगर ये आपने इधर रखा और ये बॉल अगर आपके हाथ में है तो ये समझ रहे? यस सर। तो सो पॉट योर लक व्हिच आई थिंक It's not that easy. Puzzle पहले पूरा बनेगा और उसके बाद ये आप एरो प्लेस करेंगे, उसके बाद ये आप बॉल्स पॉट करते रहेंगे, तो हर गिलास के अंदर एक बॉल जानी जरूरी है। Got it? Yes, sir. जो सबसे पहले कर लेगा ये, इसका मतलब क्या हुआ, वो फाइनल वीक में चला गया। ऑल द बेस्ट।
ये सब मिक्स है? नहीं, अपना नहीं, 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 आप ही के लेकिन अपने मिक्स जो हमारे पास पजल्स है वो हमारे ही हैं, आपके ही हैं, लेकिन वो मिक्स हुए हैं। गाइस टेक योर टाइम, आराम से, इजी, ओके। टाइम लें, टाइम लें। अच्छा सलामत ने कहा है कि रूबा आराम से देखो, दिमाग लड़ाओ, दिमाग लगा के हर पजल हर जगह नहीं जा सकता। शाबाश अली भाई, शाबाश फैजान, कम ऑन दानिश भाई, take your time guys, take your time, take your time, take your time, take your time guys, नरेश भाई मिक्स मत कीजिएगा साथ में वाले से। भाई ये देख ले, मिक्स ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, ये कहाँ जा रहे हैं, ये आपके कौन से हैं आपको पता है? ये मिक्स, तो मिक्स क्यों कर रहे हैं? स्मेल तो यार रखे थे। तो मिक्स हो रहे हैं ना आप लोगों के? मिक्स हो रहे हैं, ये देख ले। मैंने वो रखे हुए। हाँ पीछे करके रखे, पीछे करके रखे। ये मेरे तो अपनी जगह पर है। कौन कौन से आपके हैं? ये क्या किया? इसलिए कहते हैं मिक्स ना करें, मैंने तो अपनी जगह पर रखे हैं। वो पर्पल किसका है दानिश भाई? प्लीज मिक्स ना हो वरना गेम खराब हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि जहां जहां रखे हुए वहीं रहने दें। अगर आप सारे उठा के अपने पास ले आएंगे तो दूसरे भी यही करेंगे, ये ना करें प्लीज। प्लीज मिक्स मत करें, प्लीज। उमर और जुनैद ये प्लीज देखिए आप लोग। जी सर, जी सर, जी। अरुबा मैंने तुम्हारे यहाँ, ये तुम्हारे हैं, ये अरुबा ये पीछे अपने ऐसे जमा ना करें ना साइड। जहाँ पजल्स पहले रखे हुए थे वहीं रहने दें, वहां से उठा उठा के लेकर आए प्लीज। ये सारे जो लेकर आए वापस उसी जगह पे रख दें, अपना नुकसान करेंगे आप लोग अगर खराब किया। क्योंकि अगर एक भी मिस हुआ पीस तो वो नहीं बनेगा। फैजान एक दूसरे के ऊपर कर दें सारे। के देखो 13 हो रहा है। 13? Are you sure? हाँ देखो। ये भी 13 है। ठीक है 13, 13 ज़्यादा रखना। 13, 13 है। 13. 4. मैं गिर रहा हूँ। ये ना कुछ चाहिए तो 4, 5, 6. One guys, keep it up. Well done, Aruba. हमें 13 ही इनकी भी, ये लो कोई भी चाहिए। हाँ रूबा इसको इक्वल करो, ये अनइक्वल हुआ है। सेपरेट रखिएगा, 13 पीसेस सबके हैं तो प्लीज मेक श्योर 13 ही रहे आपके पास। 13 से Thank you.
कब है? गलत लगाया पीस। मेरा पीस भी गलत बचपन से पजल नहीं बनाए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। कम ऑन दानिश भाई, पजल में वैसे ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। और सीधा नहीं हो गया साइड में, यूं हुआ। हाँ, और कुछ लगेगा ही नहीं। शाबाश अरूबा, फोकस 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 गाइस, फोकस फोकस फोकस, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सोच समझ के। Come on, Natasha. Natasha, yes, you can do it, Natasha. You can do it. आराम से सोच के। समझ भी तो आए पहले। कहाँ से समझ आना है? कितना है वैसे क्रिएटिव है आप? थोड़ा किसकी बॉल आई? बॉल आ गई। किसकी बॉल आ गई? तस्वीर ही नहीं आई। हाँ, बोल आ रही है। हमारे जज्बे के लिए लगाया हूँ। अच्छे तेरा नहीं कुछ ऐसी लगा हूँ। बोल आ रही है। हो का भी मारना। बोल आ रही है। मेरी अर्जेंट नहीं आया। तो आ रहा है। अगर किसी की तस्वीर आई तो हट जाना। कुछ लेना जाना। वो मर गया। तेरी जीत में है उनकी हार। तेरे सबाब अब किस पे न कर ले। चाहे कोई तेरे हाथ पर फाड़ ले। Don't you dare नहीं खेलेंगे ये फेर। तेरी हर सीक्रेट को करेंगे ये शेयर। देख तमाशा इनका प्यार है। करीना ट्रस्ट सब पे सारे। सोच समझ के जरा बच बच के डस गया जो तेरी तस्वीर। Let the games begin. देख तमाशा सामने आ जा। देख तमाशा इनकी बैंड बजा जा। देख तमाशा सब पे छा जा। देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। देख तमाशा सामने आ जा। देख तमाशा इनकी बैंड बजा जा। देख तमाशा सब पे छा जा। देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। पकड़ के ला रहे हैं जैसे हाथ में। चल ये बन भी जाएगा, ये बन भी जाएगा। चलो come on Natasha, ये बन भी जाएगा। बॉल भी लगा इतना सा है वो बॉल। और पिंक का बॉल है, घूमती है वो। दिमाग तो लड़ाओ। ब्रो नहीं, मैं पजल्स में बहुत वीक हूं यार। समझ भी तो आए पहले। जाओ 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 जाओ। दानिश भाई। यस गई। ये दो नहीं आ रही मुझे। मेरा दिमाग बंद हो गया। गड़बड़
चक्कर आ गए। Come on guys, क्या हो गया? आराम से आराम से। रूबा देख के पीछे भी देख के मिक्स नहीं करना। उंगली ना आ जाए। नहीं शेप्स देख लो ना, सबके पास सेम शेप्स हैं जो उन्होंने लगाई है। बन गया। ओए होए शेप से कर बन गया। हो गया है? क्या बात है रूबा, जॉब अभी डालनी भी है, बॉल भी पॉट करनी है, बॉल भी करनी है। जाऊं? आप रखोगी उसको इधर, इसको एक अरूबा क्या जिन जिन जगह पे पॉट करनी है तुम्हें वहां रखनी पड़ेगा बेंच। हाँ इसको पहले जरा इक्वल कर लो। अरे मुझे तो ये पजल ही बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, अपना कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पूछ लो ना कि सही है कि नहीं, मैं बॉल डालूं फिर। आई थिंक इट लुक्स फाइन, यही है, इट लुक्स फाइन। अरे तेरा बनने गया तो सही होगा, बस बस मैं ऊपर से नीचे कर देती हूं। हां ये लो द रेड वन। चलो करो जान इधर। सही है, क्या कहते हो? सही है। बैठ के खड़े हो क्या, आपकी मर्जी है। किसका बन गया? चलो गुड। क्या दिमाग लड़ाया? क्या लड़ाना है दिमाग बताओ। हैं? जाओ जाओ जाओ। अच्छा एक सबके पजल भी डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अरूबा फोकस, रिलैक्स रिलैक्स। इतना तेज आराम से, सब अपना टाइम लें यार, सब अपना टाइम लें, फोकस करके करें। झटपट जा रही है ऐसे थोड़ी है। या अल्लाह जाओ अंदर जाओ जाओ प्लीज। फाइव डालनी है, फाइव फाइव डालनी है। गुड 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 जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब गाइस। देखो फोकस अली भाई, कम ऑन। चले दानिश भाई, दानिश भाई जरा थोड़ा दिमाग तो लड़ाओ। प्रो नहीं मैं पजल्स में बहुत वीक हूं यार, दिमाग तो लड़ाओ दानिश भाई। क्या कर रहा हूं, कम ऑन फैजान। जाओ 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 अली भाई, तो लड़ाओ अली भाई। ए मत करते हो अच्छा पीछे, मतलब पीछे आया बस आगे कर ले। सही है, सही है दानिश भाई, इट्स फाइन, इट्स फाइन। अरे वाह, यस दानिश भाई। ओह नो, आई एम कमिंग। अब मेरी बॉल से फैल गई है। कम ऑन, मुकाबला सख्त है और अब दानिश और अरूबा, दानिश और अरूबा पहुंच गए। फैजान ऑलमोस्ट देयर, अली भाई इस वक्त लगे हुए हैं फिगर आउट करने में। नेहा नताशा, मैं तो फोकस गाइस, समझ ही कुछ नहीं आ रहा मुझे। इस वक्त ट्रैक नताशा, oh, yes! इस वक्त ट्रैक दानिश और अरूबा का कंप्लीट हुआ है और दानिश की एक बॉल चली गई है और अरूबा की दो बॉल। कम ऑन दानिश, कम ऑन। मेरी बात सुनो, ये टूट गया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट। और ये मैं जमा कैसे करूंगी, ये कैसे टूटा है? ये हाथ मार रहा लगता है, तो ये कोई लगेगा तो नहीं है? लगेगा, टूट चुका है। कहां से टूटा है ये? होए होए होए, come on guys, come on, come on,
कम ऑन नेहा फास्ट. ओ दानिश भाई दैट वाज क्लोज. कमॉन अरूबा कमॉन दानिश भाई फैजान नेहा यस कमॉन गुड अरूबा बहुत अच्छे कमॉन गाइस कमॉन टू टू गो अरूबा टू टू गो थ्री यस कमॉन अरूबा कमॉन कमॉन डोंट टॉक जस्ट फोकस ऑन द गेम पास गेम पे फोकस करो. Come on, Aruba, बहुत अच्छे. Come on, yes. Come on, Danish bhai. Come on, Danish bhai, तेज. Please, down, yes. One to go, Aruba. One to go. Come on. Aruba, just one to go. Focus. दिमाग जब सुन लूंगा वो यार मुझे एक बॉल तो दे दो ना मैं भर दूं किसी में उठानी है बोले अरे बॉल दे दो मुझे बॉल है नहीं ना टूटा हुआ है हाथ लगेगा कटेगा उसमें बहुत शार्प है वो कलेक्ट कर लो बॉल्स दैट्स वेरी शार्प यार तो ऐसे तुम्हें कितनी बार हाथ में लेके आऊं बोलो प्लीज इसको क्या हुआ क्या हुआ Come on, Faizan. Come on. Yes. Think. Oh, एक और चलेगी इसके Good job. Excellent. तो जुनेद उमर रूबा जी आप तीनों फाइनल वीक में हैं. आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय कश्मीर बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलन्स एंड वीट.